Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा ये चैप्टर इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, जो सेकेंड चैप्टर था हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, उसकी रीडिंग ले चुके हैं हम लोग. ठीक है, आज हम इसके वर्ड मीनिंग, MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आई नो आपको लगेगा ज़्यादा है, बट बहुत ईजी है, इसलिए क्या है, और सिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, इसीलिए हम लोग इसको जल्द ही करेंगे. ठीक है, कुछ बेसिक से वर्ड मीनिंग आपको लिखवा रही हूँ, ताकि क्योंकि आगे आपके लिए आगे भी चलकर इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसके मीनिंग जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए. इसीलिए क्या है, कुछ लिखवा रही हूँ तो लिखिए. इक्वलिटी, इक्वलिटी होता है समानता. हाँ जी, ये सिर्फ पिक्चर में एक जैसे पेन लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, तो आप ब्लू जेल पेन और ब्लैक जेल पेन का ही इस्तेमाल करना. ठीक है, तो इक्वलिटी होता है समानता. क्या होता है? समानता. ठीक है, सेकंड है जस्टिस. जस्टिस क्या होता है? न्याय. क्या है? न्याय. थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है पक्षपात. क्या होता है? पक्षपात, यानी कि भेदभाव करना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा संविधान. हमारे संविधान ने हर एक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान. ठीक है, हमारे संविधान ने सभी लोगों को, सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं. ठीक है, ये साउल है, SOUL, सोल. सोल का मतलब होता है आत्मा, हमारी आत्मा. ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग. इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? लागू करना. मतलब कोई लॉ बना दिया, अब लॉ बना के, कानून बनाकर, ये तो नहीं है गवर्नमेंट किसी को बताए ना. ठीक है, तो वो लोगों को बताएगी और लोग से उस लॉ को मनवाएगी. ठीक है, तो इम्प्लीमेंट होता है लागू करना. इम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या हो गया? लागू करना. अर्बन, अर्बन होता है शहरी. ठीक है, अर्बन, आपने कभी सुना हो कि फॉर्म भरते हुए हम लिखते हैं ना, अर्बन एरिया से हो या रूरल एरिया से, अर्बन का मतलब होता है शहरी. ठीक है, और रूरल होता है हमारा ग्रामीण. ठीक है, जो लोग गांव में रहते हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, और जो शहरों में रहते हैं वो अर्बन एरिया होता है. ठीक है, स्लम एरिया. स्लम एरिया होता है गंदी बस्ती. ठीक है, स्लम एरिया गंदी बस्ती. हाँ जी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप दिल्ली वगैरह गए हों या फिर कोई बड़े सिटीज़ में, वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ लोग क्या है, बहुत ही ऐसी जगह, अनहाइजीनिक जगह पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लेस नहीं होता रहने का. ठीक है, तो वो उनकी मजबूरी है कि वो लोग वहाँ रहते हैं. ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्लम एरिया, गंदी बस्ती. ठीक है, इन्फीरियर. इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा. किसी को हम इन्फीरियर समझते हैं, मतलब उसको हमारे से नीचे समझते हैं, उसको होता है इन्फीरियर. इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा. उसको हीन भी बोल सकते हैं, किसी को हीन दृष्टि से देखना. ठीक है, सुपीरियर होता है कि खुद को सुपीरियर समझना, खुद को बेहतर समझना. ठीक है, तो सुपीरियर होता है बेहतर. इन्फीरियर क्या होता है? नीचा. यानी कि सुपीरियर लोग, जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, वो क्या है, दूसरे लोगों को क्या समझते हैं? इन्फीरियर, यानी कि नीचा समझते हैं. ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये समझ भी आए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे. ठीक है, तो आज हम इसके MCQ और, जैसा कि बोला मैंने, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ फॉर्मेट में. Which one of the following ensure justice to all the people of a society or country? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों के साथ न्याय हो? सभी कौन से लोग? जो लोग एक देश में रहते हैं और एक सोसाइटी में रहते हैं, उन सब के साथ क्या है? न्याय हो. इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस बात को सुनिश्चित करती है? सबसे पहला ए ऑप्शन है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? छुआछूत. क्या होता है? छुआछूत, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो ये सोचते हैं कि जो इन्फीरियर लोग हैं, जो कहनी जिनको वो हीन दृष्टि से देखते हैं, कि वो हमें टच नहीं करेंगे. ठीक है, इक्वलिटी. इक्वलिटी होता है समानता, सबको एक समान समझना. इनइक्वलिटी होता है असमानता, सबको क्या है? असमान ना, मतलब सबको समान ना समझना, सबके साथ भेदभाव करना. कास्ट सिस्टम क्या होता है? कि ये उस जाति का है, मैं उस जाति का हूँ, यानी कि जातीय प्रणाली जो सिस्टम था हमारे इंडिया में अभी भी है. ठीक है, वो इनमें से क्या चीज़ है, इन चारों में से, जो ये बताती है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए? हाँ जी, छुआ छूत तो हो ही नहीं सकता, इनइक्वलिटी भी नहीं हो सकती, असमानता, कास्ट सिस्टम भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या है? इक्वलिटी. क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी. क्या जाएगा? बी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स, यानी कि सभी युवाओं को मत देने के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ए ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार है. हाँ जी, ये एक टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इस टर्म का आपको मीनिंग बताना है. ठीक है, सबसे पहला मीनिंग इसके अकॉर्डिंग है, ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है. बी इक्वलिटी अमंग सिटीजन. सभी नागरिक इक्वल हैं,
ठीक है। सी ए सेट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक रूल्स और रेगुलेशन का सेट है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है। डी या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने सिक्स में ही पढ़ा था, ये होता है, इसमें क्या है, सभी नागरिकों को वोट देने का, सभी युवा नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए क्या जाएगा, ए, ठीक है। थर्ड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, इनमें से कौन सा प्रोविजन है, डज डू अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव विद रिगार्ड टू इक्वलिटी अमंग सिटीजन, जिसके जो क्या है हमारे संविधान में दिया गया है जिसके रिगार्डिंग अभी हम सभी नागरिकों को क्या है, इक्वलिटी मिली है, मतलब समानता मिली है। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके कारण सभी नागरिकों को इक्वल समझा जाता है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं, समान हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा उनकी जाति और धर्म को लेकर। ऑप्शन सी, एवरी पर्सन कैन यूज़ ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि जो जनसाधारण व्यक्ति के लिए प्लेसेस बने हैं उन सभी को इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि क्या टॉयलेट्स बने होते हैं, ठीक है, वाटर प्लेसेस बने होते हैं जहाँ पर हम पानी पी सकते हैं, मंदिर बने हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उन सभी का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इनमें से क्या चीज़ है, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब के सब। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यही तो बोला है कि सभी कानून के सामने इक्वल हैं, सभी व्यक्तियों को क्या है, समान अधिकार हैं, ठीक है, सभी व्यक्तियों को जो जनसाधारण के लिए प्लेस बने हुए हैं, जगहें बनी हुई हैं, उनको यूज़ करने का राइट है, ठीक है, और किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा, यही सब बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, डी, क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर डेली लाइफ्स, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी हमारी डेली लाइफ में असमानता को दिखाती है, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वलिटी का अधिकार दिया है, सभी लोग समान हैं, लेकिन फिर भी ये कहता है कि आज भी हम अपनी डेली लाइफ में असमानता को देख सकते हैं, कौन सी चीज़ है वो। ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से क्या है, नीचे हैं, मतलब अभी भी उनको क्या प्रॉपर इनकम नहीं मिल रही है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, जाति धर्म के नाम पर जो सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, अनटचेबिलिटी इन इंडिया, भारत में जो ये छुआछूत की जो प्रणाली चली हुई है वो, इनमें से क्या चीज़ है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और क्या है वो इनइक्वलिटी ला रही है। हाँ जी, ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, आज भी क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं और क्या है, यहाँ इसकी वजह से अनइक्वलिटी आ रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अवर गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी थ्रू, हमारी सरकार ने कोशिश की है लागू करने की। हाँ जी, हमारी सरकार क्या है, कोशिश कर रही है समानता को लागू करने की, किस तरीके से। ऑप्शन ए, वेरियस लॉ, उन्होंने अलग अलग कानून बनाए हैं। ऑप्शन बी, वेरियस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं। ऑप्शन सी, दोनों के दोनों से, मतलब कानून लगाकर भी और क्या है प्रोग्राम्स बनाकर भी, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा ही था कि बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे कानून जो मतलब लॉज क्या है बनाए हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट ऑफ अमेरिका, इनमें से कौन है। हाँ जी, इन जो ये लीडर्स दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा लीडर है जिन्होंने अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट आंदोलन जो चला था उसका लीडर था। हाँ जी, बराक ओबामा, रोजा पार्क्स, नेल्सन मंडेला, नन ऑफ दीज। हाँ जी, कौन थी वो, रोजा पार्क, ऑप्शन बी, रोजा पार्क वो थी जिन्होंने क्या है सिविल राइट मूवमेंट क्या है चलाया था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी भी मतलब, और नेल्सन मंडेला भी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कर लें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, आप किसी देश के संविधान से क्या समझते हैं। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट, एक देश का संविधान एक क्या है, डॉक्यूमेंट होता है, एक मतलब पेज पर लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है। आपको पता है डॉक्यूमेंट्स का एग्जैक्टली मीनिंग नहीं याद आ रहा मुझे। दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स, जिसके अंदर बेसिक से रूल्स लिखे होते हैं, एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल, मतलब जनरल से रूल्स रेगुलेशंस क्या है लोगों के लिए लिखे होते हैं, एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो।
और क्या है सरकार के लिए भी लिखे होते हैं जो क्या है हर एक देश में, मतलब उस देश में फॉलो किए जाते हैं। हाँ जी, एक देश का संविधान क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस देश के रिगार्डिंग सभी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जा चुके होते हैं और क्या है सभी नागरिकों को और सरकार के मेंबरों को, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट में मेंबर्स हैं उनको क्या है फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, अभी हमने पढ़ा भी था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, सभी युवाओं को मत देने का अधिकार है, उसकी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब ये नहीं देखा जाता कि वो कौन सी सोसाइटी से या कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, उसको क्या है वोट देने का अधिकार है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। हाँ जी, हमारे लोकतंत्र में समानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी अमंग सिटीजन। ये कहता है समानता से हमारा मतलब ये है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और क्या है पॉलिटिक्स के आधार पर सभी को समान समझा जाए। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी जो नागरिक हैं वो कानून के सामने समान हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस और वेल्थ एसेट्रा विल बी डन। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है पक्षपात नहीं होगा, उनके जन्म स्थान को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनके लिंग को लेकर, उनकी जातीय आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो जातीय प्रणाली चली हुई है, मतलब कास्ट सिस्टम चला हुआ है, वो क्या है। द कास्ट सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इन इंडिया। जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, एक सोशल इनइक्वलिटी है, मतलब सामाजिक असमानता है। इट इज़ द प्रीडोमिनेंट सोशल इविल, ये क्या है सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। दैट इज़ यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसके तहत एक बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के साथ क्या होता है पक्षपात। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति खुद को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इन्फीरियर, और उनके साथ क्या करता है वो भेदभाव करता है। ठीक है, मेंशन द टू वेज, ऐसे दो रास्ते बताइए थ्रू विच आवर गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी अमंग सिटीजन, जिसके थ्रू हमारी सरकार ने सभी लोगों को इक्वल लाने की कोशिश की है, नागरिकों को इक्वल अधिकार देने की कोशिश की है। हाँ जी, द वेज आर, इन जो ये रास्ते हैं वो क्या हैं, थ्रू लॉज, कुछ कानून बनाकर, थ्रू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और स्कीम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और स्कीम लाकर, जैसे कि मिड डे मील्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब लाकर क्या है गवर्नमेंट ने सभी को इक्वल रखा है। हाँ जी, ज़्यादा तो नहीं हुआ, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।